जवाब दिया, सुनो मेरे समान योद्धा होगा उसे कोई जीत ना पाएगा, राजा नर की औकात का स्वयं इंद्र हार के चला जाएगा, लेकिन बिहार आए स्वयं भगवान के हाथों को मारा जाएगा। इतना कह करके वो चला गया। इधर पवन रेखा धीरे धीरे चली, सकिया मिल गई। सकिया कहने लगी, ओ री बहना, हाँ बहना, तेरो जे रूप कैसे होएगा? जी कछु नहीं पूछ, गजब होई हो। ये तेरी बिंदी कहाँ जा रही है? जिजी अलीगढ़ के स्टेशन पे जा रही। जिजी गजब होई हो, कहाँ होएगा? और तेरे गालों पे निशान कैसे? कछु नहीं पूछे, तुम तो आगे ना निकल गई। हाँ, हम अकेली रह गई वहाँ, हमें एक बंदर मिलेगा। वो बंदर? हाँ, कहाँ करो बंदर ने? बंदर ने हमारी सवरी ऐसी तैसी कर दी। जिजी वाने सवरों नोच खाई लो, हो तो हमें बच्चे आए दिन कैसे करके? भगवान की कृपा से। अच्छा, और का जब आप दी बहना, तुम तो अलग हो गई, एक बंदर आ गया और उसने मार मार तमाचन मेरे सभी गाल लाल कर दिए। चलो बहना घर, हकीकत बात नहीं बताई, पहुंच गई अपने घर। आज महला में पहुंच गई, वो बात छुपने से नहीं छुपी, धीरे धीरे महारानी की उधर में वो घर पल्ली लगा। और जब पल्ली लगा, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज को मालूम पड़ा है कि हमारे पुत्र पैदा, हमारी रानी के उधर से पुत्र पैदा होगा, तो धन लुटाने लगे, खुशियां मनाने लगे। लेकिन समय जब आया और परीक्षित महाराज जी, आपने देखा होगा जब सच्चा पुत्र पैदा होता है तो सगुन होते, जब कपूत पैदा होता है तो असगुन होते, असगुन होने लगे। यमुना जी का पानी सतर फर करके खड़े हो गए। चारों तरफ कोहरा मचने लगा, ऐसा ही नहीं अस्कुन होने लगे। अब तो चारों तरफ हाहाकार का शब्द सुनाई देने लगा, कहरा मचने लगा, बादल छाने लगे, बिजली तड़पने लगी। घोर घरी घोर नक्षत्र में कंस ने जन्म लिया। अब परीक्षित जी, आप ये सोच रहे होंगे कि जन्म तो कन्हैया का होना था, ये कंस कहां से ठिबक गया? लेकिन माफ करें, जब कंस का ही जन्म नहीं होगा तो भगवान का भी अवतार नहीं होगा। कंस रूपी रोग आ चुका है तो कन्हैया रूपी दवा अपने आप मिल जाएगी। इधर बताया, कंस का जब जन्म हुआ घोर घरी घोर नक्षत्र में, भक्तों बड़े बड़े विद्वानों ने, ज्योतिषि ब्रह्म ऋषियों ने उसी पुत्र का नाम रखा कंस। और जवाब दिया, महाराज ये बहुत बड़ा अत्याचारी होगा, दुराचारी होगा। जवाब दिया, अच्छा हाँ, जवाब दिया भगवान, मेरे हैं ऐसा पुत्र कैसे पैदा हो सकता है? मेरे पुत्र की रक्षा करना गोविंद, रक्षा करना प्रभु। धीरे धीरे वो बेटा स्याना होने लगा, इतना स्याना हो गया कि अपनी साथ के बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है।